नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए भारत ने खोला पिटारा। प्रवासी भारतीय मजदूरों के लिए नहीं है कोई पुख्ता इंतजाम। $5 मिलियन के सहयोग का किया ऐलान। आवास और शहरी मंत्रालय ने जारी की अपशिष्ट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग। नवी मुंबई, इंदौर, सूरत सहित 6 शहरों को 5-स्टार रेटिंग। 2018 में स्वच्छता स्तर उच्च करने के लिए लॉन्च किया गया था कार्यक्रम। नेपाली कैबिनेट ने भारत सीमा विवाद के बीच जारी किया नया नक्शा। कालापानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरान को बताया नेपाल का हिस्सा। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता के योगदान का ऐलान किया है। इन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी या UNRWA ने भारत के इस सहयोग की सराहना की है। लेकिन भारत को सर्वप्रथम अपने देश के गरीबों और मजदूरों की सहायता करने की आवश्यकता है, जो कि भारत सरकार इस संकट की घड़ी में प्रवासी मजदूरों के लिए कोई भी ठोस और सकारात्मक कदम उठाने में नाकाम रही है। ऐसे में भारत को संयुक्त राष्ट्र रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता मुहैया कराने की बजाय भारतीय प्रवासी मजदूरों की सहायता करना चाहिए था। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी को यह योगदान भारत सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए दिया है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को यह योगदान फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि सुनील कुमार ने पेश किया। भारत का यह योगदान UNRWA को फंडिंग की कमी के चलते उत्पन्न हुए वित्तीय संकट से निपटने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि विश्व में लगभग 5 मिलियन फिलिस्तीनी शरणार्थी UNRWA द्वारा प्रदान किए जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। इस दौर में भारत फिलिस्तीनियों के लिए मेडिकल आपूर्ति की भी तैयारी कर रहा है, ताकि उनको COVID-19 के संक्रमण से बचाया जा सके। यहाँ बताना आवश्यक है कि भारत ने UNRWA को दिए जाने वाले अपने वार्षिक योगदान को वर्ष 2016 में $1.25 मिलियन से बढ़ाकर 2020 में $5 मिलियन देने का वादा किया है। यह सभी योगदान भारत के लिए UNRWA के सलाहकार आयोग का सदस्य बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा। गौरतलब है कि UNRWA फिलिस्तीनी शरणार्थी उन व्यक्तियों को कहता है जो 1 जून 1946 से 15 जून 1948 की समयावधि के दौरान फिलिस्तीन में निवास करते थे, लेकिन 1948 के संघर्ष के बाद ये अपना घर और आजीविका दोनों को खो दिया। इस प्रकार UNRWA उन्हीं लोगों की सहायता करता है जो इस परिस्थितियों का सामना कर चुके हैं और संस्था के साथ पंजीकृत हैं। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के कचरा या अपशिष्ट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग जारी कर दिया गया है। 5-स्टार रेटिंग वाले 6 शहरों में अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई शामिल हैं, जबकि 3-स्टार रेटिंग वाले शहरों की संख्या 65 है। वहीं 1-स्टार पाने वाले शहरों की संख्या 70 बताई गई। कुल 1435 शहरों में से केवल 141 शहरों को ही ये रेटिंग प्रदान किया गया है। स्टार रेटिंग प्रक्रिया 3 चरणों में किया गया। पहले चरण में शहरों या निकायों द्वारा जरूरी दस्तावेज को सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया गया, जबकि दूसरे चरण में किसी गैर सरकारी एजेंसी द्वारा दस्तावेजों को सत्यापित कराया जाता है। वहीं तीसरे चरण में एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक खुद क्षेत्र में जाकर सत्यापित करता है कि दस्तावेज में दी गई जानकारी सही है या गलत। गौरतलब है कि जनवरी 2018 में शहरों को अपशिष्ट मुक्त करने और शहरों को स्वच्छता के उच्च स्तर को प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक रूप प्रबंधन, सभी अपशिष्टों को उपचारित करना इत्यादि था। नेपाल की कैबिनेट ने भारत के साथ सीमा विवाद के बीच एक नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है। इस नक्शे में तिब्बत, चीन और नेपाल से सटे भारतीय क्षेत्र कालापानी और लिपुलेख के साथ लिम्पिया धुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया।
लिपुलेख दर्रा नेपाल और भारत के बीच विवादित सीमा है जो कालापानी के पश्चिम में है। कालापानी लगभग 35 वर्ग किलोमीटर में फैला पिथौरागढ़ जिले का एक हिस्सा है, जबकि नेपाल का दावा है कि कालापानी उसका हिस्सा है और यह धारचूला जिले में आता है। आपको बताते चलें कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से ही इस इलाके पर ITBP का कब्जा है, जबकि नेपाल सरकार का दावा है कि वर्ष 1816 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई सिगौली संधि के अनुसार यह नेपाल का हिस्सा है। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हाल ही में अमेरिका की अगस्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले अगस्ता मेडिकल कॉलेज ने माइक्रो RNA पर एक शोध किया है, जिसमें बताया गया कि माइक्रो RNA जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और वायरस के आक्रमण के समय माइक्रो RNA फ्रंटलाइन का कार्य करते हैं। माइक्रो RNA पौधों, जानवरों और कुछ विषाणुओं में पाया जाने वाला एक छोटा नॉन कोडिंग RNA अणु है, जिसकी लंबाई 32 न्यूक्लियोटाइड होती है। गौरतलब है कि उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति COVID-19 के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें प्रतिक्रिया करने वाले माइक्रो RNA की संख्या कम होती है। COVID-19 को लेकर रोज नए शोध सामने आ रहे हैं। फिलहाल कई देशों में सोशल डिस्टेंसिंग की मानक दूरी 6 फीट बताई गई है, लेकिन साइप्रस में स्थित निकोसिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का कहना है कि इस महामारी का हवा में प्रसार ज़्यादा होता है। अगर हल्की हवा चल रही हो तो कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट्स 18 फीट तक हवा में तैर सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार अगर हवा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही हो तो इंसान के लार या सलाइवा के कण 18 फीट दूर खड़े व्यक्ति को भी संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। अंग्रेजी भाषा के सुप्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड की पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स का 19 मई को विमोचन किया गया। यह पुस्तक ई बुक के रूप में उनके 86वें जन्मदिवस पर प्रकाशित की गई। इसमें उनके बचपन की यादगार रोमांचों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा द ब्लू अम्ब्रेला, नाइट ट्रेन एट देओली, द रूम ऑफ द रूफ आदि उनकी अन्य लोकप्रिय पुस्तकें हैं। नवनिर्मित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट 19 मई से लागू हो गया। सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में सेक्शन 3A जोड़ा गया और केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तय की गई। डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स 2020 लागू करने के साथ प्रदेश में स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र यानी PRC की जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया। नए नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर का निवासी कहलाने का हकदार होगा। इसकी खास बात यह है कि इसके तहत पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, सफाई कर्मचारी और दूसरे राज्यों में शादी करने वाली महिलाओं के बच्चे भी अब डोमिसाइल के हकदार होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।